हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फोन के अंदर अपने फोटो एंड वीडियो हाइड कराने तो कैसे कर सकते हैं, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपने फोन के अंदर अपने फोटो एंड वीडियो को हाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास सैमसंग का ए सीरीज या एम सीरीज का कोई भी मॉडल हो, उसके अंदर भी आप ये वाले फीचर अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो अंदर जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ सके। तो आपको क्या करना है, अपने फोटो हाइड करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी गैलरी ओपन कर लेनी है। तो जैसे आप अपनी गैलरी ओपन कर लेती है, इसमें आपके बहुत सारे फोटो आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। तो सिंपली आपको यहाँ से आ जाना है, एल्बम पे आ जाएंगे। एल्बम आने के बाद आपको अपने फोन के अंदर एल्बम आपको देखने के लिए मिल जाती है। ऊपर आपको थ्री डॉट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्रिएट एल्बम, तो सिंपली आप क्रिएट एल्बम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उस एल्बम का नाम दे देंगे, जो भी आपको नाम देना है। जैसे हाइड ऐप कर देना है, तो यहाँ से हम दे देते हैं एच हाइड का ही, तो यहाँ से हम दे देते हैं हाइड फोटो। ओके, तो यहाँ से हम हाइड फोटोज पे दे देते हैं, इसे हम कर देते हैं क्रिएट। क्रिएट करने के बाद आपकी एल्बम यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद आपके फोटो जो भी हाइड करने हो, जिस फोल्डर में हो, आपको उसे ओपन कर लेना है। जैसे आप देख सकते हैं हमारे इसमें फोटो है, इन्हें हम सेलेक्ट कर लेती है। ठीक है, इसे आपको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मोर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद मूव टू एल्बम पे क्लिक करेंगे। मूव टू एल्बम पे जाने के बाद यहाँ से आपको हाइड फोटोज वाली एल्बम जो आपने क्रिएट की है उस पर क्लिक करेंगे और आपके फोटो हो जाते हैं मूव। तो मूव हो जाने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आपको बैक आ जाना है। फिर से आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है हाइड और अनहाइड एल्बम, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो भी एल्बम होगी वो आपको हाइड कर लेंगे। जैसे हमने अभी बनाई थी हाइड फोटोज, तो इसे हम ऑन कर देते हैं और आपकी एल्बम हो जाती है हाइड। तो यहाँ से हम बैक आते हैं। अब आपको अपनी एल्बम ओपन कर लेनी है। आपने जो फोटो है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। एल्बम पे क्लिक करेंगे तो आपने जो एल्बम बनाई थी वो आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से अपने फोन के अंदर अपने फोटो एंड वीडियो को हाइड और अनहाइड करा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।